जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इरिटेरिया 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 एंड 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 सेट नंबर 12 का क्या कहता है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। जी ये सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। जी ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ये भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। नहीं ये गलत हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर दोस्तों यहाँ हरित क्रांति से चावल और गेहूं का उत्पादन काफ़ी हो जाता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2 कहता है निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य से सुमेलित नहीं है। इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, नहीं है। तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ है तो उत्तराखंड में है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। तिलैया परियोजना कहाँ है तो तिलैया परियोजना ये बिहार में नहीं है दोस्तों, ये झारखंड में है, झारखंड। ये झारखंड में दोस्तों, बिहार में नहीं है। और तुलबिल परियोजना कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए दोस्तों इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो माजुरी, इंद्रावती और पंगा ये तीनों गोदावरी के सहायक नदी है और कोयना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों ऑप्शन सी हो गया। 4 देखते हैं भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 6100 किलोमीटर ऑप्शन सी। इस तरह देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 मृदा की उर्वरक बढ़ाने के लिए कौन सी सफल फसल उगाई जाती है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो उड़द का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम शोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो सर्वाहारी ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सत्य है। तो विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, विद्युत का विघटन, विद्युत का विलयन। तो हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी, विद्युत का कुचालक। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये केवल प्रत्यावर्ती धारा है एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चीनी यात्री संयुगन भारत में कब आया था। तो 518 ईस्वी में आया था ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया है। तो बलबन द्वारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तो विंध्य ऑप्शन डी। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। तो जैन धर्म का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो लैमार्क ने ऑप्शन डी। मतदान के समय प्रयुक्त अमीर स्याही किस पदार्थ से बनी होती है। तो यह सिल्वर नाइट्रेट का बनी होती है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो
कनाडा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 36 बार, ऑप्शन सी। 19 कहता है, कपास के रेशों को किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए कौन सुमेलित नहीं है, तो प्रेरी घास की मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। पंपास दक्षिण अमेरिका में है। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में है। और स्टेपीज उत्तरी अमेरिका में नहीं है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका में, ये मध्य एशिया में है। कहाँ है दोस्तों? मध्य एशिया में, एशिया, मध्य एशिया दोस्तों है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, दिल्ली संतुलन के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो हो गया जे थॉमस ने, इलेक्ट्रॉन का खोज जेमे थॉमस। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और मोसोन का खोज रदरबोर्ट ने नाभिक का खोज किया था, नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। लेकिन मोसोन ने किसका खोज किया था? तो मोसोन होमी जहांगीर भाभा की खोज किया था, मोसोन ने होमी जहांगीर भाभा। चलिए आगे देखते हैं, मोसोन का खोज किसने किया था? तो होमी जहांगीर भाभा। चलिए आगे देखते हैं, ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन है? तो धुआं, ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। चलिए 25 देखते हैं, राज्यसभा के सरकार द्वारा प्रयुक्त किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो राज्यसभा में सत्ताधारी दल बहुमत नहीं है, ऑप्शन सी। 26 कहता है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? तो अक्टूबर और नवंबर में, ऑप्शन डी। सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए, युद्ध और गवर्नर, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कर्नवालिस। प्रथम आंगल सिख युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड हार्डिंग। और तृतीय आंगल मराठा युद्ध में कौन गवर्नर जनरल था दोस्तों? तो लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन ये हो गया। और प्रथम आंगल अफगान युद्ध कौन था? तो लॉर्ड ऑकलैंड। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, इस तरह हो गया ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का सुनिश्चित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पर? तो सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, ऑप्शन ए। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमगारों को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, 30 सुमेलित कीजिए, रेडियम का खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने किया है। और पेंसिलिन का खोज किसने किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। एक्सरे का रोडियन ने किया है। और चेचक का एडवर्ड जेनर ने किया है खोज। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है क्या? तो
कुल डाले गए वोटों का 6% ये भी होता है, और 4% मत भी होना चाहिए, और 4 गो सीट भी होना चाहिए, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मिमिसा, संगीत रत्नाकार, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है, तो रांगा कुंभा ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 243 का जेड डी, ऑप्शन बी। 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो देखते हैं भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में है, नहीं 103 में नहीं है दोस्तों, ये 112 में है, ये इस तरह गलत हो गया। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के सहायता से होता है, तो नहीं, ये राष्ट्रपति से नहीं होता है, अगर लोकसभा अध्यक्ष रहता तो हो जाता, ये राष्ट्रपति लगा दिया, इसलिए गलती होगी दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, एकदम सही दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है, तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी। 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन ए बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी का अध्यक्षता करता है, ये सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत देता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 कहता है उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति है, ये भी सही है। तो अनुच्छेद 131 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, ये नहीं है। अनुच्छेद 131 में कहता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य विवादों का सुनवाई की जा सकती है, ऑप्शन डी कहता है 131। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा उल्लेखित नहीं है, तो लोक कल्याण और संघीय, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर, जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पाद की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ऑप्शन डी। सेबी का पूर्ण रूप क्या है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को, ऑप्शन बी। निम्न से एक सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको खोजना है दोस्तों, तो पीस इंडिया एक्ट ये कहाँ है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहाँ है, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड कर्जन ने नहीं, ये लॉर्ड लिट्टन ने किया था, इसलिए ऑप्शन ये गलत है, हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। और ये एल्बर्ट बिल कहाँ है, तो लॉर्ड रिपन ने पारित किया था, ये ऑप्शन इस तरह हो जाएगा सी, प्रेस लॉर्ड कर्जन ने, लिट्टन ने किया था। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था, तो 1891 में लाया गया था, ऑप्शन बी। 44 कहता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बी डी सावरकर, ऑप्शन बी।
जिनमें से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लाजिडम, ऑप्शन सी। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, सम्मिलित कीजिए जीवाणु द्रव, जीवाणु विज्ञान किससे है? तो लिवेनहॉक से। और सूक्ष्म जीव विज्ञान किससे है? तो लुई पाश्चर से, ऑप्शन ये हो गया। आधुनिक आनुवंशिक किससे संबंधित है? तो टी एच मार्गन से। और प्रतिरक्षा विज्ञान किससे है? तो एडवर्ड जेनर से। इस तरह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कौन हो गया? ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कार्य का मात्रक कौन है? तो किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी है, न्यूटन मीटर है, जूल भी है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो 49 देखते हैं क्या है। जैन धर्म महात्मा में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में नहीं विश्वास करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही असत्य है, बाकी ये दोनों सही है। जैन धर्म में यही असत्य है, बाकी दोनों सही है। अंकितावाद का संबंध जैन धर्म से है और जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचार अन्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है देखते हैं। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सही है। उसने दीवान एक खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, यह भी सही है। वह एक हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना, यह भी सही है। उसे अशोक के दो स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, यह भी सही दोस्तों। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये खत्म हो गया दोस्तों, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, लीजिए ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए। आप लोग को सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं सेट नंबर 13 क्या कहता है। सेट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या कहता है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो कौन सा सदिश राशि है? तो चाल प्रबलता, ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का सर्वन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अग्राशय द्वारा, ऑप्शन बी हो गया। 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो यूरासिल, कौन? ऑप्शन डी, यूरासिल। 5 कहता है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए। 6 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी किसमें? तो ये पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 कहता है,
कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो चेन्नई नहीं है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है किसे, तो वारेन हेस्टिंग को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों इसको सुमेलित करना है 1 से 2 कि शीतोष्ण कटिबंध घास और किस देश में है, तो कैंटरबरी की उष्ण कटिबंधीय घास जो है किस कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। और पुस्ताज कहाँ की है, तो पुस्ताज हंगरी की है। और वेल्ड कहाँ की है, तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका की है। और पंपास कहाँ की है, तो अर्जेंटीना की है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 का बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, तो स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि माउंट योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और नहीं वह संसद में बैठता लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है, तो राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। 16 कहता है संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है, तो वयस्क मताधिकार पर, ऑप्शन ए। 17 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे, तो हेमचंद्रकार, ऑप्शन हेमचंद्रकार नहीं था दोस्तों, ये ऑप्शन है बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी था जो नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। चलिए 20 देखते हैं निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। 21 कहता है श्रम गहन उद्योग वह है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी। 22 कहता है निर्धनता का दुच्छुक कि अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी, तो रेगन नक्स, ऑप्शन बी। वेदयत्री कहा जाता है किसे, तो ऋग्वेद सामवेद अजुर्वेद को, ऑप्शन सी। 24 कहता है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारों के संबंध को दर्शाता किसे, तो फिलिप्स वक्र को, ऑप्शन ए। 25 कहता है कि बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड, ऑप्शन ए। 26 कहता है जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, तो ये
ग्रीन हाउस गैस ये भी कारण है, ओजोन परत का क्षरण ये भी कारण है, और प्रदूषण ये भी कारण है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर कौन है? तो व्यक्ति कर और निगम कर, ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो हैकल ने दिया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो लकड़ी में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो विद्युत में क्या था? अनुप्रस्थ तरंगे है, ऑप्शन सी। 31 कहता है कि निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो थैलाफाइट, ऑप्शन ए। ऊर्जा का पिरामिड होता है क्या? तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। और इस आगे देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। खाद हरित क्रांति से है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से है, उद्यान सुनहरी क्रांति से है, लेकिन कुक्कुट पालन भूरी क्रांति से नहीं है। तो कौन सा है? ये रजत क्रांति से है, रजत क्रांति से। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। 34 कहता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन है? तो सबसे पहले है केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। 35 कहता है, निम्नलिखित को सुमेलित करें कि तिलैया परियोजना कहाँ है? तो ब्राकर नदी पर है। और पंचेत बांध कहाँ है? तो दामोदर नदी पर है। और बांध सागर परियोजना कहाँ है? तो सोन नदी पर है। और रंजीत सागर बांध कहाँ है? तो रावी नदी पर है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 36, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? तो प्रागवे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि ग्रैंड कैन्य घाटी निम्न में से किस नदी के धारा से बनी तंग घाटी है? तो कोलोराडो नदी, ऑप्शन बी। 38 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? तो 38 का हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन डी। 39 कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी। 40 कहता है, संविधान सभा की निम्नलिखित समिति में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? नहीं की थी। तो 40 का हो जाएगा किसकी अध्यक्षता नहीं की? तो प्रांतीय संविधान समिति, ऑप्शन सी। 41 कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बचन सिंह बनाम पंजाब राज 1980, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस, ऑप्शन ए। 43 कहता है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण क्षेत्र में, ऑप्शन सी। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु, ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा को। 45 कहता है, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो 45 का ए, मौर्य में काल में, ऑप्शन ए। 46 कहता है, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो
महास्थान ऑप्शन सी। 47 कहता है चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था क्या, तो राजकीय चिन्ह था क्वेश्चन नंबर 47 का बाघ ऑप्शन बी। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है, तो इसमें रहेगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों था इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 कहता है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था किस, मतलब चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा को जोड़ा गया था महात्मा गांधी के पद में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भारत में मुस्लिम शासक को किस शासक ने आरंभ किया है, तो 50 का हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने ऑप्शन डी। आइए दोस्तों देखते हैं स्मरणीय तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि गजनवी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पदगीन, अल्पदगीन मोहम्मद गजनवी किसकी उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। आगे देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी के दरबार में अलबरूनी और फिरोदोसी और फारूकी एवं उरुतवी रहते थे। गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया था इसने, मतलब गजनवी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं मोहम्मद गजनवी ने ही 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। अब मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में, और मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 में किया जो पाटन गुजरात में पर किया था। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। आइए दोस्तों देखते हैं तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में जी, पक्ष किसके किसके बीच हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें परिणाम चौहान जीत गया था, मतलब पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, और पक्ष किसके था, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें गौरी विजयी हो गया था। और चंदवारा का युद्ध 1194 में, जिसमें गौरी एवं जयचंद के बीच पक्ष हुआ था, लड़ाई हुआ था, और जिसमें गौरी विजयी हो गया था। आगे देखते हैं अभिलेख है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक ने किया था, कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक था, तो रुद्रदामन। अहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। और भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त। इस तरह दोस्तों ये सेट नंबर 12 और 13 खत्म हुआ है। आप लोग आंसर मिला लीजिए दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों इस तरह का खत्म हुआ। आगे जय हिंद।